Hello students, today we will start very very important test for infinite series, Cauchy's condensation test. आज हम इसका statement and proof कर रहे हैं. Statement proof exam में क्या सकता है बेटा? Statement proof Cauchy condensation test. Statement क्या है? If f of n is greater than or equal to f of n plus 1 greater than equal to 0 means नंबर वन फॉर ऑल एन मींस ऑल फंक्शन जो भी एफ एन जो ऑल टर्म जो है पॉजिटिव है नंबर वन. नंबर टू दिस शो दैट डिक्रीजिंग. देखो कौन सा शो हो रहा है बेटा? डिक्रीजिंग बिकॉज एन इज लेस देन एन प्लस वन एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एन प्लस वन. तो क्या शो हो रहा है बेटा? डिक्रीजिंग. साइन क्या हो रहा है? चेंज. देन समेशन एफ एफ ऑफ एन एंड समेशन टू की पावर एन एफ ऑफ टू की पावर एन. ठीक है, बिहेव लाइक बोथ कन्वर्जिस और डाइवर्जिस. बोथ बिहेव लाइक जब बोथ कन्वर्जेंट हो गए या क्या होंगे? डाइवर्जेंट. तो बेटा हमने पढ़ा है सीरीज को कैसे चेक करते हैं पार्शियल सम. लेफ्ट मैंने एस एन ले लिया बेटा पार्शियल सम इसका एफ वन एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री लास्ट एफ ऑफ एन एंड इसको पार्शियल एस एन डैश मैंने इसका नोट कर लिया टू एफ ऑफ टू टू स्केयर पहले वन फिर टू एफ ऑफ टू स्केयर लास्ट टू की पावर एन एफ ऑफ टू की पावर एन. मैंने बेटा एक रिलेशन बनाना है यहाँ पे क्या है टू की पावर एन. तो मैंने यहाँ पे एस टू की पावर एन ले ली पार्शियल ये ले लिया. तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री लास्ट एफ ऑफ टू. ओके, इसका मैंने ग्रुप बना लिया. जैसे मैंने बेटा हमने कौन सा किया था अल्टरनेटिंग सीरीज उसमें क्या किया तो हमने ग्रुप बनाए थे. यहाँ पे मैं ग्रुप बना रहा हूँ एफ वन. ठीक है, तो हम ऐसे में लिख सकते हैं ना बेटा. देखो जो वैल्यू इनका सम है और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म है तो इनका सम बेटा इससे ग्रेटर होगा ना एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ टू की पावर एन इससे ग्रेटर ही होगा ना. देखो इनका सम क्योंकि इसमें टर्म एफ वन भी ऐड है वो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव सो जिससे क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्लियर है बेटा? इक्वल टू क्यों क्यों डाला बेटा मैंने? बिकॉज एफ वन जीरो भी हो सकता है इसलिए एफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो दिस. क्लियर पॉइंट? देन मैंने ग्रुप बना लिया बेटा एफ टू उसके बाद एफ थ्री प्लस एफ फोर. ठीक है, दो का ग्रुप बना लिया पहले सिंगल टर्म फिर टू का ग्रुप. आप सोच रहे हो सर एफ टू क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि मैंने इनमें रिलेशन बनाया है. यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है एफ टू है तो इसके लिए मैंने यहाँ से ग्रेटर देन ले ली वैल्यू. इसके बाद टू का ग्रुप बनाया उसके बाद मैंने फोर का ग्रुप एफ फाइव एफ फोर सिक्स एफ फोर सेवन एफ फोर एट. ओके, तो आप चेक करो बेटा फर्स्ट टू सेकेंड ग्रुप में इसको ऐसे लिखता हूँ टू प्लस वन एफ टू प्लस टू. ये थर्ड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप था? सेकंड. ये थर्ड ग्रुप है यहाँ पे एफ फाइव है इसको ऐसे लिखूँ टू स्केयर प्लस वन टू स्केयर प्लस टू टू स्केयर प्लस थ्री टू स्केयर प्लस फोर. देखो बनता है एट. ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप है. जब देखो सेकेंड ग्रुप था यहाँ पे वन है, जब थर्ड ग्रुप है यहाँ पे टू है तो लास्ट ग्रुप में क्या आएगा बेटा? एंथ ग्रुप में क्या आएगा? देखो एंथ ग्रुप में अप टू एंथ ग्रुप में क्या आएगा एफ. देखो थर्ड ग्रुप था यहाँ पे टू है, सेकंड ग्रुप था यहाँ पे वन है तो एंथ ग्रुप में क्या आएगा बेटा? एफ टू की पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस एफ टू की पावर एन माइनस वन प्लस वन टू सॉरी आगे एफ टू एन माइनस वन प्लस थ्री लास्ट लास्ट टर्म क्या आएगी बेटा इसमें एफ टू है. देखो यहाँ पे
बेटा यहाँ पे क्या आएगा, टू स्केयर प्लस टू, यहाँ पे टू स्केयर प्लस टू स्केयर ही है ना, देखो आप टू स्केयर प्लस टू स्केयर टू इंटू टू स्केयर टू दी क्यूब आ गया ना, देखो थर्ड टर्म में, यहाँ पे देखो थर्ड टर्म में लास्ट टर्म क्या है टू की क्यूब, मतलब थर्ड टर्म में टू की क्यूब, एथ ग्रुप में क्या आएगा टू की पावर एन, क्लियर है स्टेप, देखो लास्ट टर्म हमारी बनती क्या थी टू की पावर, क्लियर है, देखो थर्ड ग्रुप में टू स्केयर, टू स्केयर टू क्यूब, टू क्यूब प्लस टू क्यूब, टू स्केयर प्लस टू स्केयर कितना हो गया टू इंटू टू टू क्यूब, मतलब थर्ड टर्म में टू की पावर क्यूब, तो आंसर में क्या आएगा टू की पावर एन, क्लियर है बेटा पॉइंट, ओके कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें। इसके बाद आपको मालूम है एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन प्लस वन फोर होल एन, तो यहाँ पे थ्री पुट किया, एफ थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एफ फोर आ गया, यहाँ पे एफ फाइव इसमें क्या पुट करना है बेटा हमने फाइव, एफ फाइव ग्रेटर देन एफ सिक्स, एफ सिक्स ग्रेटर देन एफ सेवन ग्रेटर देन एफ एट, ऐसे आ रहा है, तो मेरे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टू, यहाँ पे एफ फोर प्लस एफ फोर, ओके नेक्स्ट एफ एट, एफ फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एट, एफ ऑफ एट, ठीक है बेटा ये लिख दिया इस ग्रुप में, और लास्ट ग्रुप में क्या आएगा ओल्ड टर्म्स ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे फाइव लास्ट टर्म क्या था एट ओल्ड टर्म, यहाँ पे क्या है टू एन, टू की पावर एन एफ टू की पावर एन लास्ट एफ टू की पावर एन, ओके क्लियर है बेटा ये पॉइंट। इसके बाद f ऑफ टू प्लस ये कितना हो गया टू, फोर को क्या लिखेंगे टू स्केयर, एट को क्या लिखेंगे कितनी टर्म है फोर, फोर मीन्स टू स्केयर, एफ टू क्यूब, एक टर्म नोट कीजिए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप, ओके क्लियर है, देखो सेकंड ग्रुप यहाँ पे फोर है टर्म्स टू स्केयर, देखो बेटा फोर है ना वन टू थ्री फोर टू स्केयर, तो आप पॉइंट नोट करो सेकंड टर्म में जब सब सेकंड ग्रुप है वहाँ टू की वन आई, थर्ड टर्म में टू का स्केयर आया, तो nth टर्म में क्या आएगा टू की पावर n माइनस वन, एक कम आ रही है ना थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में टू सेकंड टर्म में वन फर्स्ट टर्म में, ठीक है तो यहाँ पे nth टर्म में क्या आएगा टू की पावर n माइनस वन एफ टू की पावर n, क्लियर है पॉइंट। और आप देखो यहाँ पे क्या है टू एफ टू टू स्केयर एफ टू, तो मैंने यहाँ पे क्या किया टू के साथ मल्टीप्लाई टू के साथ डिवाइड, टू एफ टू टू स्केयर एफ टू स्केयर टू क्यूब एफ टू क्यूब लास्ट टू की एन एफ टू की पावर, ये किसके इक्वल है बेटा एस डैश एन, तो मेरे पास क्या है वन बाय टू एस डैश एन, तो मेरे पास कंबाइंड क्या आ गया रिजल्ट एस टू की पावर एन is greater than or equal to 1 by 2 s dash n, okay मेरे पास ये आ गया, clear है बेटा सर। इसके बाद अब मैंने इसको क्या लिखा बेटा first, उसके बाद s dash n is less than equal to 2 s की power 2 है, हमने प्रूव करना है बिहेव लाइक बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, केस फर्स्ट मैंने क्या लिखा एस डैश एन, बेटा मैंने क्या लिखा समेशन टू दी पावर एन एफ टू की पावर एन डाइवर्ज है, यदि डाइवर्ज तो ये किसका एस डैश एन किसका पार्सल है इसका ना, तो एस डैश एन डाइवर्ज टू प्लस इनफिनिटी, यदि डाइवर्ज कर रहा है प्लस इनफिनिटी को ये वाली वैल्यू डाइवर्ज टू इनफिनिटी, देन जो एस टू पार एन है वो भी किसको डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी, यदि ये इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है ये किसका पार्शियल सम है, किसका पार्शियल सम है बेटा एफ एन का, सो समेशन एफ एन भी क्या हो गया डाइवर्जेंट, तो मैंने कहा था ना वेव लाइक यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या आ गया डाइवर्जेंट, ओके अभी आपने वेट करनी है बेटा, मैं ये भी प्रूव करूंगा नेक्स्ट में, यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, अभी मैंने क्या प्रूव किया है यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये भी सीरीज क्या आ रही है डाइवर्जेंट आ रही है। सेकंड केस मैंने समेशन इसमें ये किसका पार्सम है समेशन एफ एन का, यदि समेशन एफ एन कन्वर्जेंट है तो ये पार्शियल सम है ये किसको कन्वर्ज करेगा एस को,
यदि कन्वर्जेंट है तो सीरीज में हमने पढ़ा था बेटा, तो ये बाउंडेड अबव होगा। यदि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड अबव होगा बेटा, पोस्टीटर्म सीरीज हो और बाउंडेड। यदि ये बाउंडेड अबव है तो एस डैश एन बी क्या हो गया, बाउंडेड अबव। बेटा हमने एक रिजल्ट पढ़ा है बेटा, मेरे वीडियो में देख सकते हो, यदि पोस्टीटर्म सीरीज है एंड बाउंडेड अबव है तो ये सीरीज क्या होगी, ये सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट। ये किसका पार्सम है, इसका। तो हम कहेंगे 2 की पावर n f 2 की पावर n क्या है, कन्वर्जेंट। तो मैंने इस यहाँ तक क्या प्रूव किया बेटा, यदि ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्या प्रूव किया, यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट। अभी मैंने क्या प्रूव करना है, यदि ये कन्वर्जेंट है सीरीज तो ये भी कन्वर्जेंट है, यदि ये डाइवर्जेंट है सीरीज तो ये भी क्या है, डाइवर्जेंट। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले ये क्लियर है ना बेटा। इसके बाद अब मैंने आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, मैं पहले मैं पार्सम कौन सा कंसीडर किया, एस टू की पावर एन। अब मैं पार्शियल सम ले लिया बेटा, एस टू की पावर एन प्लस वन, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री लास्ट एफ टू की पावर एन प्लस। तो मैंने ग्रुप बेटा पहले फर्स्ट ओके, फिर सेकंड और थर्ड का ग्रुप ले लिया बेटा, एफ टू प्लस एफ थ्री, फिर मैंने एफ फोर प्लस एफ फाइव प्लस एफ सिक्स प्लस एफ सेवन ओके। इसके बाद देखो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, सेकंड। ये कौन सा है, थर्ड। थर्ड में कहाँ से शुरू है, टू स्केयर, आगे एफ टू स्केयर, नेक्स्ट एफ टू स्केयर प्लस वन, ऐसे आ रहे हैं ठीक है, थर्ड टर्म में ओके। तो मैंने एंथ टर्म में जाना है, देखो एंथ ग्रुप में जाना है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैंने, देखो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म कहाँ से शुरू हुई है, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। तो मैंने जाना है बेटा यहाँ पे एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एफ फोर प्लस एफ फाइव प्लस एफ सिक्स प्लस एफ सेवन, इसमें आगे जाना है बेटा मैंने। देखना बेटा आप इसको ना फर्स्ट ग्रुप ले लीजिए, इसको एफ टू प्लस एफ थ्री ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे टू की पावर है, ये सेकंड ग्रुप, यहाँ पे टू की पावर टू, और सॉरी बेटा इसको ऐसे रखो, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप। देखो लास्ट टर्म में इससे पहले की टर्म तक बनाना बेटा, लास्ट टर्म एज इट रखना है, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, देखो ग्रुप बना रहा हूँ वन, आगे टू टर्म्स का ग्रुप। यदि मैं यहाँ पे वन पुट कर रहा हूँ, देखो आप देखो पहले वन पुट किया मैंने, यहाँ पे कितना आ गया, वन प्लस वन टू फोर आ गए, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, पहली टर्म मैंने एज इट रख ली, फिर दो का ग्रुप, लास्ट में एक टर्म बच रही है ना तुम्हारे पास। यदि मैं यहाँ पे टू रख रहा हूँ, एट एट तक जाइए आप, एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट, जैसे पहले एक टर्म का ग्रुप, फिर सेकंड, फिर मैंने कितनी टर्म का लेना है, फोर टर्म, लास्ट में फिर एक टर्म बच रही है ओके। क्लियर है ना पॉइंट, देखो लास्ट में एक टर्म और रह रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ एन माइनस वन ग्रुप में जाना है पहले, एन माइनस एक तो एक लास्ट ग्रुप, तो एंथ ग्रुप आएगी आएगा, इससे पहले क्या आएगा एन माइनस वन। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, टू की पावर एन, आगे एफ टू की पावर एन प्लस वन, टू की पावर एन प्लस वन, आगे एफ टू की पावर एन प्लस टू, लास्ट एफ टू की पावर एन, इससे पिछली टर्म बेटा एन प्लस वन माइनस वन। चेक कर लीजिए मैंने सही लिखा है कैसे, यहाँ पे आ जाइए आप, एन की वैल्यू टू पुट कीजिए यहाँ, तो क्या आएगा फोर, आगे क्या आ रहा है फाइव, लास्ट टर्म क्या आएगी टू प्लस वन एट, टू की पावर क्यू एट माइनस वन कितना आ रहा है सेवन ओके। और लास्ट टर्म क्या आएगी बेटा, एफ कितनी है लास्ट टर्म बेटा, टू की पावर एन प्लस वन, मेरे पास ये आ रहा है बेटा करने के लिए। एक टर्म बचने में फर्स्ट टर्म छोड़ दी तो लास्ट टर्म में भी एक टर्म आएगी आएगी ओके। देन बेटा यहाँ पे एफ एन प्लस वन इज लेस देन एफ एन, आप यहाँ पे टू पुट कीजिए, एफ थ्री लेस देन एफ टू,
यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे मैंने क्या पुट किया बेटा, 4, F5 less than F4, F6 less than F5, आगे F7 less than F6, तो देखो F5 भी F4 से कम है, F6 F5 से कम है, F5 F4 से कम है, सभी F4 से कम आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, less than or equal to F1 plus 2 F4 2 प्लस यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4, और ये कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4, तो यहाँ पे क्या है, 2 square F2 square 4, आगे 2 cube F2 cube, ओके यहाँ पे 2n F2n, ओके लास्ट F2 की पावर n प्लस 1, देखो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे n, तो यहाँ पे क्या आएगा n, अब इनकी बात रहेगी बेटे, आपको मालूम है ओल्ड टर्म, देखो यहाँ पे आ जाओ आप, F1 इज ओल्ड टर्म से क्या है बेटा, लेस है, देखो इसको ऐसे क्योंकि ये क्या है डिक्रीजिंग, तो नेचुरली जो वैल्यू है कम हो रही है, तो F1 2n प्लस 1, ठीक है बेटा, ये आ गया, तो मेरे पास क्या है बेटा, लेस देन इक्वल टू F2n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी less than equal to F1, all values because decreasing sequence है, first value सबसे ज्यादा है, उससे सारी value क्या है कम है, तो ये value इससे क्या आएगी less, तो यहाँ पे क्या आ गया 2F1 plus 2F2 plus इसको देखिए आप 2 square F2 square 2 cube F2 cube last 2n F2 की power, ये क्या है बेटा, क्या आ गया मेरे पास, S2n plus 1 is less than equal to 2F1 plus Sn dash, ओके इसको नंबर 3 डाल दीजिए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, Sn dash is greater than equal to S2n plus 1 minus 2F1, तो आप देखिए यहां से बेटा, फर्स्ट अब मैंने चेंज करना है, जैसे पहले किया था, यदि ये कन्वर्जेंट है तो मैंने कहा था ना ये कन्वर्जेंट है, ओके अब मैंने ये प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, देखो बेटा इसको लेना है, यदि मैंने लिख लिया, क्या लिखा, केस 1 समेशन 2n f2 की पावर n कन्वर्जेंट, तो sn डैश क्या हो गया, कन्वर्जेंट से s को कन्वर्ज कर रहा है, तो sn डैश क्या हो गया बेटा, बाउंडेड बप, यदि बाउंडेड बप है, देखो ये कांस्टेंट प्लस बाउंडेड बप, तो s 2n प्लस 1 भी क्या हो गया, बाउंडेड बप, ओके पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, बाउंडेड बप हो, बाय केस थर्ड, तो क्या आ गया बेटा, समेशन fn क्या आ गया, कन्वर्जेंट हो गया ना प्रूफ, पहले मैंने क्या किया था, केस जो पहले केस किए थे उसमें क्या किया था, यदि समेशन fn कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अब मैंने क्या प्रूव किया है, यदि ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ओके उसमें क्या प्रूव किया था बेटा मैंने, ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या है, डाइवर्जेंट, अब मैं प्रूव कर रहा हूँ यदि ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, आप देखो मैंने ये ले लिया डाइवर्जेंट है, ये क्या है डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो गया डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, यदि ये डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी है बाय केस 4 Sn डैश भी क्या हो गया डाइवर्जेंट, यदि ये डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या होगी बेटा डाइवर्जेंट, ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करूंगा, सो थैंक यू वेरी मच।